ख्याल में ये वाली, मेरे ख्याल में अब इन हजरात का ज़्यादा इम्तिहान नहीं लेना चाहिए, इन हजरात को रुख्सत देनी चाहिए। ये काफ़ी तवील फहरिस्त है सईद भाई, अगर ज़िंदगी लिए कभी आपके पास आए किसी बर वक्त तो इंशाल्लाह आपको सुनाएंगे। लेकिन बाहर मैं एक नात के चंद अशार हमारे भाई सईद साहब के हुक्म पर ज़रूर सुनाता हूँ। मुलादा कीजिएगा, मोहब्बत से कह दें सुबहान अल्लाह, और बुलंद आवाज़ से कह दें सुबहान अल्लाह। मुझे ऐसे लगता है कि रहीम यार खान से सफ़र करके मैं नहीं आप तशरीफ़ लाए हैं। मेरा जी चाहता है, मेरे बस में नहीं कि मैं सईद भाई से कहूँ आप हजरात के लिए खूबसूरत बिस्तरे हों और चार पाइयाँ हों, उस पर गाओ तकिए लगे हों, आप हजरात उस पर लेटें, लेट के पूरा प्रोग्राम सुने, लेकिन मेरे बस में नहीं है। ओ मेरे भाइयों, ये मौके कभी कभी मिलते हैं और इन्हें गनीमत जाना करें। मैं आपको हकीकत बात बता रहा हूँ कि मैंने एक बुज़ुर्गों से सुना था कि ऐसी महाफिल आसमान से फरिश्तों को ऐसे नज़र आती हैं जैसे ज़मीन वालों को ज़मीन से आसमान के सितारे। तो आप इन्हें मामूली ना समझें, ये बड़ी ही बाबरकत महाफिल हुआ करती है। बहरहाल मैं एक खूबसूरत नात के चंद अशार सुनाता हूँ, मोहब्बत से कह दें सुबहान अल्लाह। मुरादा कीजिए, शायर कहता है, जहाँ नजरे मुहम्मद का निशाना ठहर जाता है, जहाँ नजरे मुहम्मद का निशाना ठहर जाता है, तो फिर चलता हुआ यकदम जमाना ठहर जाता है, तो फिर चलता हुआ यकदम जमाना ठहर जाता है, जहाँ नजरे मुहम्मद का निशाना ठहर जाता है। कसम खा कर मैं कहता हूँ कि गारे सौर पे जाकर, कसम खा कर मैं कहता हूँ कि गारे सौर पे जाकर जमाने भर के यारों का यराना ठहर जाता है, जमाने भर के यारों का यराना ठहर जाता है, जहाँ नजरे मुहम्मद का निशाना ठहर जाता। और अहले बैत के दीवाने कह दें सुभान अल्लाह। शेर सुनिए और लुत्फ लीजिए ईमान की ताजगी का। गवाह है मस्जिद नबवी की दीवारें के सजदा में, गवाह है मस्जिद नबवी की दीवारें के सजदा में, नवासा हो जो कर्दों पर तो नाना ठहर जाता है, नवासा हो जो कर्दों पर तो नाना ठहर जाता है, जहाँ नजरे मुहम्मद का निशाना ठहर जाता है, तो फिर चलता हुआ यकदम जमाना। आखिर में